हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है नीलेश फोटोग्राफी चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एडोब फोटोशॉप के बारे में, उसमें कौन से टूल्स किस चीज़ में यूज होते हैं और सारे मेनू किस पर्पस से यूज करते हैं, उसके सारी एक एक इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। और ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए मैं इस वीडियो को कई पार्ट्स में बना सकता हूँ। इस वीडियो का ट्यूटोरियल पूरा रहेगा कि एडोब फोटोशॉप के बारे में पूरी एक एक बेसिक से लेके एडवांस तक पूरी जानकारी देना। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो से अगली वीडियो तक मैं पूरे टूल्स के बारे में और सारे मेनूज के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपना फोटोशॉप खोल लेंगे और उसमें हमको एक फ़ोटो लेनी होगी। उस पर हम धीरे धीरे करेक्शन करना सीखेंगे और उसी पर्पज़ से हम सारे टूल्स को अब बताते जाएंगे कि कैसे कैसे कौन से टूल्स किस चीज़ में यूज होते हैं। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन में दिख रही होगी, सबसे पहले हमारे ये ऊपर फाइल मेन्यू शो कर रही है, एडिट मेन्यू शो कर रही है और इमेज लेयर सिलेक्ट फिल्टर व्यूज़ विंडोज़ हेल्प, ये सारे मेनू का अलग अलग काम होता है। और यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे टूल्स, इस सारे टूल्स का अलग अलग वर्क होता है। तो दोस्तों, मैं सारे वीडियोस में आपको बारी बारी से एक एक टूल्स के बारे में और सारे मेनू के बारे में बताऊंगा कि इनका क्या यूज होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने टूल्स के बारे में जानना सीखेंगे कि हम टूल्स को कैसे यूज करेंगे, फिर मेनू का यूज करना हम बताएँगे कि मेनू कैसे यूज करते हैं। तो इसमें दोस्तों, हमको कुछ फोटोशॉप के कीबोर्ड में हमको शॉर्टकट्स मालूम होनी चाहिए, जिससे हम आसानी से कुछ कीज़ दबाते ही ये मेनू सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये मैं दोस्तों आपको सब इसमें बताता जाऊंगा। तो हम सबसे पहले फ़ोटोज़ एक ओपन कर लेंगे। अपनी फ़ोटो ओपन कर लिए हैं और इस पर हम धीरे धीरे टूल्स का यूज करना सीखेंगे कि हम कौन से टूल्स से क्या कर सकते हैं। हम अभी फ़ोटो एडिटिंग के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसलिए हम उस चीज़ को भूल जाएंगे। हमको पहले सीखना है टूल्स के बारे में। सबसे पहला टूल्स हमारा ये आता है सिलेक्शन टूल्स। तो दोस्तों, हम इस टूल्स के माध्यम से हम फोटोज़ को जितनी चाहें उतनी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद हम क्रॉप कर सकते हैं और इस पर कट पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा टूल्स है सिलेक्शन के लिए। अब इस टूल्स को हमें हटाना है, तो हम इस टूल्स को ऐसे नहीं हटा सकते हैं। तो हमको इस टूल को हटाने के लिए हमें शॉर्टकट भी मालूम होनी चाहिए, Ctrl+D हम दबाएंगे तो ये टूल्स हट जाएगा। तो इसके बाद हम इस टूल्स के बारे में जानकारी चाहेंगे। ये मूव टूल्स है। इस टूल्स के माध्यम से हम फोटोज़ को इधर से उधर कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी भी चीज़ को। जैसे मान के चलो ये हमारी फ़ोटोज़ है, हम इसकी अभी ये सिंगल फ़ोटोज़ है, इस वजह से ये नहीं जाएगी, ये हम कॉपी पेस्ट एक फ़ोटो कर लेंगे। तो ये हमारी फ़ोटोज़ को, ये हम कहीं भी इसको फ़ोटोज़ को ले सकते हैं। तो ये हमारा रहा है मूव टूल्स। और दोस्तों, इस टूल्स का क्या काम रहता है, इसमें ये भी एक सिलेक्शन टूल्स है। इसमें हम चाहेंगे जहाँ से चाहेंगे हम वहाँ से सिलेक्शन ऐसे कर सकते हैं। ये हम जितना चाहेंगे, हमको इसको जैसे बैकग्राउंड चेंज करना है तो उसके लिए ये हमारा टूल्स बेनिफिट रहता है। अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारी इतनी फ़ोटो सिलेक्ट हो गई। अब हम इस फ़ोटो को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और इस फ़ोटो को हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी। ये देखिए, आपकी कॉपी एक बन जाएगी। ये एक तरीके से ये सिलेक्शन टूल्स हैं। और दोस्तों, इस टूल्स के बारे में बात करेंगे, ये है मैजिक वर्ण टूल्स। इस टूल से हम जहाँ पर कर्सर रखेंगे उतना पूरा उसी कलर का पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। इस सेलेक्ट एरिया को जैसे हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, हमारा पूरा बैकग्राउंड एक तरीके का है, तो हम उस बैकग्राउंड को जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारा इस काम आएगा। और दोस्तों, ये टूल्स के बारे में बात करेंगे तो ये भी एक क्रॉप टूल है। इस टूल्स के माध्यम से हम अपनी फ़ोटोज़ को, यहाँ पे हमारी साइज़ दिए हुआ है, इस साइज़ को यहाँ पे जितने हम साइज़ देंगे उतनी हमारी फ़ोटोज़ एक्चुअल में सेलेक्ट होगी। तो इस टूल्स को जैसे सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे तो उतनी हमारी फ़ोटोज़ क्रॉप हो जाएगी। तो ये हमारा क्रॉप टूल है। अब दोस्तों, इस टूल के बारे में बात करेंगे तो ये टूल्स हमारा स्केल टूल है।
हम फोटोज़ को देखना चाहते हैं कि हमारी फ़ोटोज़ एक लाइन में रहे, उसका सिलेक्शन बहुत सही तरीके से रहे, हमारा अलाइनमेंट बहुत अच्छे तरीके से रहे। तो हम इसको जहाँ से करेंगे तो वो हमारा एक लाइनिंग हो जाएगी, हम जितना चाहेंगे वहाँ से हमारा पार्टीशन रहेगा। तो यह हमको स्केल के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब इस टूल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये टूल्स हमारा फेज टूल है। इसका काम क्या होता है, मान के चलो हमारी ये फ़ोटोज़ है, हम इसकी स्किन को यहाँ से यहाँ पर इसको ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, यहाँ का स्किन टोन लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा। इसका काम क्या होता है बेसिकली, जैसे चेहरे पे कुछ दाने वगैरह होते हैं छोटे से छोटे, वो उनको मिटाना होता है, तो इस टूल्स का यूज करके हम पूरे चेहरे को सफ़ा कर सकते हैं। और इसी में एक और टूल साथ में रहता है, इस टूल्स को हम अल्ट दबा के जहाँ पर प्रेस करेंगे वो हमारा कलर सिलेक्शन हो जाएगा, और उसी जगह पे हम जहाँ पर इसको रखेंगे तो उतना ही कलर से हमारा ये ब्रश होता रहेगा। और दोस्तों ये हमारा टूल्स है ब्रश टूल। अब ब्रश टूल का क्या काम होता है, अब अल्ट दबाकर हम जो भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे और इसको जहाँ पर हम ब्रश करना चाहेंगे हमारा धीरे धीरे वो हमारा ब्रश होता रहेगा। तो ये हमको फ़ोटो सफ़ा करने में या कुछ और अच्छी फ़ोटो बनाने में इसका काम आता है। और दोस्तों इस टूल्स का यूज आपको बताएं, क्लोन टूल है। इस टूल्स के माध्यम से हम फोटो को एक जगह से दूसरी जगह क्लोन कर सकते हैं, यानी मतलब कि एक ही जैसी फ़ोटो बगल में उसको प्रिंट कर सकते हैं। हम इसको दिखाते हैं कैसे हम इसका, तो दोस्तों हमारी ये जैसे फेस है, हमको इसी फेस को दूसरी जगह लगाना है, तो हम इसको जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब इसके बाद हम इसको बड़ा कर लेंगे, अब सेम हमको वही चीज़ यहाँ पर आएगी। ये देखिए सेम हमारा, अब जितना अगल बगल करेंगे उतना ही यहाँ पे प्रिंट होता रहेगा। तो ये क्लोन टूल है, हमारी क्लोन कॉपी बन जाती है इस टूल्स के माध्यम से। और दोस्तों हम इस टूल्स के बारे में बात करेंगे, तो ये इरेजर टूल है। जब मान के चलो हम कोई एडिटिंग कर रहे हैं कहीं पर या बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं, हमको उसको इरेज करना है, तो इस टूल्स का यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये हम इस टूल्स को ये बैकग्राउंड को इरेज करते जाएंगे। तो ये इरेजर है, ये हमको इसमें बहुत सारे पॉइंट प्रोसेस रहते हैं, तो इसके माध्यम से ये जैसे ऐसे इसका अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं अपने फ़ोटो एडिटिंग में। तो ये टूल्स बहुत आना चाहिए। और इसके बाद ये टूल्स हमको कलर फिर करने के रहते हैं, यहाँ पे हम जो कलर सेलेक्ट कर लेंगे वही हम जहाँ पे डालेंगे वो हमारा कलर फिल हो जाएगा। और इसके बाद इस टूल्स का बहुत ही यूज होता है जब बाल वगैरह सही करने होते हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छा होता है ये टूल्स। अब इसको जैसे हम अब मान के चलो हमको इसकी यहाँ पे इसको थोड़ा सा पिचकाना है, तो इस टूल्स के माध्यम से हम ऐसे जैसे करेंगे इस टूल्स के माध्यम से हम जैसे करेंगे ये हमारा ऐसे इसको हम पिचका सकते हैं। और अब दोस्तों इस टूल्स के बारे में बात करेंगे, तो इस टूल्स में दो टूल्स रहते हैं, ये टूल्स बहुत यूज होते हैं। जैसे इस टूल्स को हम यूज करेंगे लाइट को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर हम इसको परसेंटेज जितना बढ़ाएंगे उतनी हमारी लाइट को बहुत अच्छी स्किन टोन्स को लाइट मिलाने के लिए रहता है। और इस टूल्स का यूज करेंगे तो इसको ये डार्क कर देगा, तो ये हम जैसे बालों को ब्लैक करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा यूज होता है। और दोस्तों इस टूल्स के जैसे सेलेक्ट करेंगे तो कुछ हम टाइटल लिखना चाहते हैं तो वो हम टाइटल यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये टूल्स का बहुत ही यूज होता है फोटोग्राफी में, जब एल्बम डिजाइनिंग करते हैं, तो जब कटिंग करने का टूल्स हम यूज करते हैं तो इसी टूल्स को यूज करते हैं, हम इस टूल्स को नहीं यूज करते हैं। इस टूल्स के माध्यम से हम यूज करते हैं तो हम जैसे चाहें वैसे हम शेप दे सकते हैं। तो इस टूल्स को हम थोड़ा सा यूज करके दिखाते हैं कि कैसे इस टूल्स को यूज करते हैं। तो इस टूल्स को जैसे यहाँ ऐसे करेंगे
ये ऐसे आपका जिस तरह शेप चाहेंगे वैसे आपके शेप में ये मुड़ता रहता है ऐसे। तो ये फोटो सिलेक्शन में बहुत वर्क आता है। एल्बम डिजाइनिंग में ज़्यादातर इसी टूल्स का यूज होता है। ऐसे हम यूज करेंगे और राइट क्लिक करके इसके मैक सिलेक्शन में करेंगे और फैदर थोड़ा सा देके इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये हमारी एक कॉपी हो गई, ये देखिए। तो दोस्तों टूल्स के बारे में आप जान ही गए होंगे, लेकिन इन टूल्स का बहुत अच्छी तरीके से कैसे यूज करते हैं तो इसके लिए मैं अलग अलग सारे टूल्स की वीडियो पर्सनली बनाऊंगा, जिससे ताकि आप पूरी तरीके से सीख सकते हैं कि बेहतर तरीके से टूल्स का कैसे यूज कर सकते हैं। इस टूल्स को कैसे यूज करते हैं जब मैं फ़ोटो एडिटिंग करके दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि कैसे इन टूल्स का यूज होता है। तो दोस्तों एडोब फोटोशॉप के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर इस वीडियो से कुछ जानकारी आपको मिली हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही में बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा देना, जिससे कि मैं कोई नई ऐसी वीडियो डालूँगा तो आपको सबसे पहले दिखाई देगी और आप उस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली नई नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।